हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जनरल ऑफ़र की। ऑफ़र बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि क्रॉस ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र, इनविटेशन टू ऑफ़र एट्सेट्रा। उन्हीं में से ही एक और तरीके का ऑफ़र होता है जिसको हम जनरल ऑफ़र कहते हैं। जनरल ऑफ़र जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा प्रपोज़ल या ऐसा ऑफ़र जो पब्लिक एट लार्ज को दिया गया हो, यानी कि जो अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल को दिया गया हो। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या एक जनरल ऑफ़र भी एक्सेप्टेंस के लायक हो सकता है, और क्या वो एक्सेप्टेंस अगर हो जाए तो क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म ले सकता है। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी के द्वारा जनरल ऑफ़र की इम्पॉर्टेंस समझाई गई और समझाया गया कि जनरल ऑफ़र क्या होता है और कब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। नाउ अगर हम ब्रीफ फैक्ट्स देखें इस केस के, तो यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। अब ये जो कंपनी है, ये एक इन्फ्लुएंजा नाम की जो बीमारी है उसको क्योर करने के लिए एक दवाई निकालती है। दवाई निकालते समय वो एक एडवर्टाइजमेंट भी निकालती है कि जो व्यक्ति हमारी दवाई को यूज़ करता है और साथ में उस पर जो लिखी हुई कंडीशंस हैं उनको भी फॉलो करता है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो बीमार पड़ जाता है, यानी कि वो इन्फ्लुएंजा उसको हो जाता है, तो उस केस में हम ऐसे व्यक्ति को कुछ अमाउंट से 100 pounds हम उसको रिवॉर्ड भी देंगे। और सिंसेरिटी के लिए या सिंसेरिटी शो करने के लिए उन्होंने 100 pounds जो अमाउंट था वो बैंक में भी डिपॉजिट करवा दिया। फाइनली हुआ क्या कि पब्लिक में से ही एक लेडी जो कि कार्लिल नाम की हैं और उन वो बीमार पड़ जाती हैं, और यहाँ पर वो इस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड को क्लेम करती हैं। पर उनका ये जो क्लेम होता है वो कंपनी द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। बेसिस यहाँ पर ये होता है कि यानी कि यहाँ पे जो कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी जो कि डिफेंडेंट कंपनी है, वो ये क्लेम करती है या ये कंटेंशन होती है कि यहाँ पर जो प्लेंटिफ हैं वो इस रिवॉर्ड के को क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड इसलिए नहीं हैं क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि ये तो ऑफ़र जनरल ऑफ़र था, यानी कि अनअसर्टेन्ड नंबर ऑफ पीपल के लिए था। दूसरी जो कंटेंशन कंपनी की है वो ये भी कह रही है कि हमारी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कोई भी लीगल इंटेंशन नहीं थी, यानी कि हम सीरियस नहीं थे। इसके अलावा कंपनी का क्लेम ये भी है कि यहाँ पर तो हमें कम्युनिकेशन ही नहीं हुई प्लेंटिफ की तरफ से कि जो कि किसी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के केस में कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी होता है, पर यहाँ तो अगर प्लेंटिफ ये भी कहें कि उन्होंने सारी कंडीशंस को भी फॉलो किया, पर उन्होंने तो कंपनी को इस बारे में कम्युनिकेट ही नहीं किया। तो इसी तरीके की कुछ दलीलें या कंटेंशंस डिफेंडेंट कंपनी की तरफ से आ रही थी। कोर्ट ने हेल्ड किया कि इस केस में ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर जो प्लेंटिफ कार्लिल हैं वो उस रिवॉर्ड को लेने के लिए इंटाइटल्ड भी हैं। इसके कुछ रीजंस बताए गए। कोर्ट ने कहा कि आप एज अ डिफेंडेंट, यानी कि जो कंपनी है उसने बेशक अनअसर्टेन्ड लोगों के लिए ये जनरल ऑफ़र निकाला था, लेकिन कोई भी जो ऑफ़र है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म तब तक नहीं ले सकता जब तक कि वो कुछ असर्टेन्ड नंबर ऑफ पीपल, यानी कि कुछ असर्टेन्ड लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता। यहाँ पे जो कार्लिल हैं जो कि प्लेंटिफ हैं वो एक स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेसिफाइड हैं, असर्टेन्ड हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कही कि जो आप एज अ डिफेंडेंट ये कह रहे हैं कि आपकी लीगल इंटेंशन नहीं थी और आपने तो जनरली ऑफ़र कर दिया था, यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि आपने जब उस अमाउंट को जिस रिवॉर्ड की आप बात कर रहे हैं, आपने उस अमाउंट को जब बैंक में डिपॉजिट किया था वहाँ पे आपकी सीरियसनेस या विलिंगनेस रिफ्लेक्ट हो गई थी।
ये भी आपकी तरफ से लीगल इंटेंशन शो करता है कि आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की इंटेंशन रखते थे। तीसरी चीज़ जो कम्युनिकेशन के ऊपर कंटेंशन डिफेंडेंट की थी, उस पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जैसे ही प्लेंटिफ ने आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो दवाई ली है और वो सारी कंडीशंस को भी फुलफिल किया है, इसी परफॉर्मेंस जो थी उनके द्वारा, ये अपने आप में ही सफिशिएंट कम्युनिकेशन थी। और वैसे भी जो कम्युनिकेशन का रूल है वो तो प्रपोजल या जो पार्टीज़ हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए होता है, पर यहाँ पर जैसे कि प्लेंटिफ बीमार पड़ गई तो उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट के ही बेसिस पर आपसे उस रिवॉर्ड को क्लेम किया है। चौथी चीज़ यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कही कि जो प्लेंटिफ हैं उनके अगेंस्ट आप यानी कि डिफेंडेंट जो कंपनी है वो अब प्रॉमिसरी एस्टॉपल से बाउंड है। प्रॉमिसरी एस्टॉपल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब आप एज अ डिफेंडेंट कंपनी ने उस प्लेंटिफ के लिए, प्लेंटिफ नहीं ना भी हों, कुछ लोगों के लिए जनरल ऑफर में जो एक प्रॉमिस किया था कि अगर आपकी दवाई को लेकर भी कोई व्यक्ति अगर सही नहीं होता तो वो आपसे इस रिवॉर्ड को लेने का हकदार बनेगा, तो यहाँ पे आपके प्रॉमिस के बेसिस पर किसी व्यक्ति ने आपकी दवाई को ख़रीदा और उसको लिया और फिर भी वो बीमार पड़ा, तो यानी कि आपके प्रॉमिस के बेसिस पे दूसरे व्यक्ति को ने कोई जो पोजीशन जो चेंज की है, देन अब बाद में आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, आप अपने स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट सकते जो स्टेटमेंट के बेसिस पर प्लेंटिफ ने एक्शन लिया, तो इसी को हम कहते हैं प्रॉमिसरी एस्टॉपल। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, वो प्रॉमिसरी एस्टॉपल से भी बाउंड है। तो इसीलिए इस बेसिस पर ये हेल्ड किया गया कि बेशक ऑफर जनरल हो सकता है जो कि इस केस में हुआ, लेकिन जब वो एक्सेप्टेंस हो जाती है एसर्टेन्ड लोगों के द्वारा तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाता है। आई होप आपको जनरल ऑफर का कंसेप्ट इस वीडियो से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।